जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं दीपक। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के फर्स्ट माउंटेन मैन के बारे में बताऊंगा, राहुल गुप्ता। इन्हें छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 14 मई 2018 को क्लाइम किया। जब यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब इन्हें नक्सली कहा जाता था क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से थे। तो चलिए जानते हैं इनके लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें। आज मैं हूँ राहुल सर के साथ, छत्तीसगढ़ के फर्स्ट माउंटेन मैन, और अभी हाल ही में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए हैं 14 मई 7:20। सो कुछ क्वेश्चन करते हैं सर से। सर, जो ट्रैकिंग वाला हमारा कल्चर है जो छत्तीसगढ़ में अभी कुछ सालों से देखने को मिल रहा है, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, इसके लिए क्या पहल की आपने? 6 साल पहले जब मैं कहा था लोगों को कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगा तो मुझे पागल समझते थे कि छत्तीसगढ़ में ट्रैकिंग को कोई नहीं जानता, कैंपिंग को कोई नहीं जानता, तू तो एवरेस्ट का बात करता है। मतलब कि यस, आई एम पागल, मैं एक दिन ये कल्चर स्टार्ट करूँगा। इसके लिए मैं छोटे छोटे, मतलब आफ्टर एवरेस्ट, मैं 1.5-2 साल से इन पर काम कर रहा हूँ। एडवेंचर स्पोर्ट्स कम्युनिटी, छत्तीसगढ़ क्लाइंबिंग इनिशिएटिव, माउंटेन मैन फाउंडेशन इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है और लोगों के बीच वो कल्चर पैदा करके दे रही है और लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही है कि वो भी मेरी तरह पैशनेट बने और एडवेंचर फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये कैंप लगता है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि जैसे ये कैंप लगते हैं? छत्तीसगढ़ क्लाइंबिंग इनिशिएटिव माउंटेन मैन फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है। छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग कनेक्टेड हैं और कई लोगों का इसमें से नहीं अभी तक मोर देन 50 लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त किया है और बहर के एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, HMI, SVIM, इन सभी जगह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये इनिशिएटिव काम आ गया। अच्छा, आपको जब आप पढ़ाई कर रहे थे सर दिल्ली में तो आपको नक्सली बोलते थे, तो ऐसा क्यों बोलते थे? एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ से बहुत ही कम लोग गए हैं। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ, प्रेस्टिजियस कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज। सो पहली बार लोग देखे कि छत्तीसगढ़ के लड़के भी यहाँ DU जैसे बड़े प्रतिष्ठान में पढ़ने आए हैं, तो मुझे छत्तीसगढ़ के होने के नाते मुझे नक्सली बोलते थे और मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं नक्सली नहीं हूँ और छत्तीसगढ़ में नक्सली नहीं पाए जाते हैं, वो भी एक स्टेट, वहाँ भी लोग पाए जाते हैं। कुछ छोटे मोटे रीजन में जो नक्सल अफेक्टेड उनकी वजह से पूरा स्टेट बदनाम है, तो इसी वजह से मुझे वो नक्सली बोलते थे क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता था। उसके बाद अभी आपको माउंटेन मैन बोलते हैं, तो उसके बारे में क्या, यानी कैसे वो नक्सली का नाम जो चेंज होके माउंटेन मैन राहुल बना? एक्चुअली जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको भी नहीं पता रहता कि आप कि कितने आगे तक जाए, बस इतना पता था कि हाँ आपको काम करना है, करना है, करना है। मैं अपने पैशन के पीछे हमेशा भागा, मैं पीक टू पीक क्लाइंबिंग करता, कंटिन्यू क्लाइंबिंग करता, अपने एक्सपीरियंस बढ़ाते रहा और पीक टू पीक क्लाइंबिंग करने की वजह से मुझे माउंटेन मैन की उपाधि मिली, मीडिया, पब्लिक, गवर्नमेंट ने दी और ये मेरे लिए प्राइड की बात है कि मुझे लोग माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। आप अपने पैशन को इम्पोर्टेंस देते हैं कि डिग्री को? ऑफ कोर्स पैशन। अच्छा, डिग्री, कई लोग बोलते हैं कि डिग्री के पीछे भागते हैं, डिग्री के पीछे जाते हैं, पर हम पैशन को कैसे चुन सकते हैं, कैसे हम अपने पैशन को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस चीज़ में खुश हो। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर भी रह चुका हूँ, मैं कई एंट्रेंस एग्जाम निकाला, मैं एक स्कॉलर भी हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में 90-95% में तो एडमिशन शुरू होते हैं, लेकिन मुझे समझ में आया कि यार मैं IAS बन सकता हूँ पर मैं उसमें खुश नहीं रहूँगा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने लगा, अपने आप को जानने लगा और सबसे मजे की बात ये थी कि मैं अपने इंटरेस्ट को जब फॉलो करने लगा तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी और मैं पैशनेट होकर हर काम करने लगा। आज मुझे हर कुछ आती है, आज मुझे एवरेस्ट क्लाइंब कर, मैं एवरेस्ट क्लाइंब कर, मुझे स्पोर्ट्स को प्रमोट कर, मैं स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ और मैं आई एम सो हैप्पी कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। और सबसे मजे की बात, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। कभी आपको ऐसा लगा कि आप नहीं कर पाएंगे? जिंदगी में जब आप कोई डिफरेंट लाइन चूज़ करते हो तो लोग कहते हैं कि पागल है, जब लोग आपको पागल कहना लग जाए ना तो आप समझ लो आप सही रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आपको जिस रास्ते पर आप निकले हो लास्ट तक टिकना और अपने आप को बार बार प्रूव करते रहना जब तक आप लोगों की नज़र में हीरो ना बन जाओ। और मैं यही बोलूँगा कि कई बार मैं हारा हूँ, कई बार गिरा हूँ, लेकिन मैं हर बार हार के दुगनी रफ्तार से राइज हुआ हूँ और यही वजह है कि आज मैं आप लोगों के सामने जाना जा रहा हूँ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। माउंट एवरेस्ट मेरी गर्लफ्रेंड की तरह है, मतलब मैं अपने लाइफ में इतना फ्लर्ट नहीं किया हूँ जितने एवरेस्ट ने मेरे साथ कर लिए और उसका सीन यही है, मैं तो मार डालूंगी और मेरा सीन नहीं, मुझे तो भैया कॉन्कर करना है, एवरेस्ट के टॉप पे पहुँचा, तो एक जिद बनी रहती है पहाड़ों के बीच में और एक ह्यूमन कैपेसिटी का एक बृहदम दृश्य है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस चैलेंज को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन एक अंदर की जिद थी और एवरेस्ट एक दिन कंकर हुआ। सबसे मजे की बात ये थी कि मैं जितने बार भी मैं माउंटेन क्लाइंब करने गया हूँ तो एक अंदर की जो जिद थी कि अगर मौत भी आई तो मैं मौत को भी मार दूंगा, यही एटीट्यूड मैंने क्लाइंब किया है।
थैंक यू सो मच। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।